नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के हरतुआ पंचायत के मुखिया अरविंद शुक्ला ने अपने पंचायत के सोनी सरई में ट्रैक्टर के चलने पर रोक लगा दी। दरअसल सोनी सरई गांव में सड़कों का हाल बदहाल है। बारिश होते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। काफी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों के बीच पंचायत के मुखिया अरविंद शुक्ला ने बताया कि ईंट भट्टा में चलने वाले दर्जनों ट्रैक्टर की वजह से सड़क का हाल बदहाल हुआ है। सड़क की मरम्मती ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा कराने की मांग को लेकर मुखिया ने कहा कि जब तक सड़क की दशा नहीं सुधरती है तब तक इस रोड से ट्रैक्टर को चलने नहीं दिया जाएगा। ईंट भट्टा के मालिक संगठित होकर यदि सड़क को ठीक नहीं कराते हैं तो सड़क पर ट्रैक्टर को चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। देखे कि रोड में जाने के लिए रास्ता नहीं है और देखे कि रोड में गिरते पड़ते किसी प्रकार गए, तो मैंने पूछा कि भाई इसका ऐसा गति है, तो लोग बताया कि आज इतना जितना भी निकलते हैं इस रोड से इसका भट्टा है। तो इसमें अनूप जसवाल हो गए, फिर क्या बोलते हैं इनका बीटू जी हो गए, फिर मनोज का नाम है इनका संतोष हो गए, इस सब का ईटा जाता है। मैं इन लोगों से आग्रह करते हैं कि कम से कम ठीक है चलें, लेकिन इसको कम से कम एक एक टुकड़ा भी जो होता है जो कचरा में फेंक देते हैं उसको भी कम से कम लान के देते तो ठीक हो जाए। जहाँ तहाँ है क्या कि माटी ला के अथी कर दे, तो माटी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा माटी साफ कर दे, अन्यथा रोड में न चले ट्रैक्टर लेकर के। अगर वो ट्रैक्टर लेकर चलेंगे आने दिन तो ट्रैक्टर को हमने सीधे थाने में जमा कर दूंगा, चूंकि वो अवैध ट्रैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि रोड हमारा बिगाड़ दिए बनाना उनको होगा। एक पब्लिक के चलने के लिए इतना बड़ा दिक्कत है, कीमत कहिए। हमें जनता है लेकिन यह चीज़ तो देखने के लिए बहुत खराब मिला, जैसा कि होना किसका चाहिए। जाता है भाठा तो यहाँ पर तीन तीन को भाठा चलता है भाई, आखिर किया ऐसा गलत तो भट्ठे वाला किया, अब तो कोई क्या करेगा।